नमस्ते दोस्तों, हेल्थ फर्स्ट के इस नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हिमालय टेंटेक्स फोर्ड, कॉन्फिडो और हिमकोलिन जेल, इन सब के रिव्यू के बाद अब बहुत सारे कमेंट्स में हिमालय टेंटेक्स रॉयल के रिव्यू की मांग की जा रही थी और इसीलिए आज की वीडियो में बात होगी टेंटेक्स रॉयल की। इस रिव्यू का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा, जैसे इस कैप्सूल का इस्तेमाल कहाँ होता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है और इसे लेने के डोसेस, और अंत में हम ये भी जानेंगे कि इसे लेने से क्या कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज का अपना वीडियो शुरू करूं, इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पूरी और सही जानकारी के लिए आप ये वीडियो अंत तक देखें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, जिससे आप आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना करेंगे और आपको सेहत से जुड़ी सभी सच्ची जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं लेटेस्ट अपडेट हमेशा शेयर करते रहता हूं। इन सभी के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो टेंटेक्स रॉयल क्यों इस्तेमाल किया जाता है? टेंटेक्स रॉयल पुरुषों में होने वाले इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी स्तंभन दोष और प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन में इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। लेकिन इस कैप्सूल की सबसे खास बात यह है कि यह कैप्सूल सामान्य लोगों से लेके डायबिटीज, हाई बीपी और इंडोथेसल डिसफंक्शन के मरीजों में होने वाले इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मैच इजैकुलेशन में काफ़ी इफेक्टिव होने का दावा हिमालय करती है। इस कैप्सूल से सेक्स के बाद आने वाली थकान और बदन दर्द में काफ़ी फायदा होता है, ऐसा हिमालय का कहना है। जनरली डायबिटीज़ और हार्ट के पेशेंट में जो शीघ्र पतन होता है, उस शीघ्र पतन में कन्वेंशनल दवाइयाँ जैसे वायाग्रा का इस्तेमाल करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, और इसीलिए टेंटेक्स रॉयल की तरफ देखा जाता है। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। इसका पहला इंग्रेडिएंट है कोकिलाक्ष। कोकिलाक्ष के बीज बहुत जाने माने पुष्टिकारक है, यानी ये शरीर का पोषण करते हैं। सदियों से इन्हें वीर्य स्तंभन के लिए और वीर्य को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका दूसरा इंग्रेडिएंट है बादाम। बादाम शरीर की नसों को और मसल को रिलैक्स करने का काम करता है। बादाम बहुत बलदायी है और शरीर से विकृतवाद दोष को कम करता है और दोषों को समान अवस्था में लाता है। इसका तीसरा घटक है उत्तंजन। उत्तंजन के पत्तों का इस्तेमाल यूरिनरी सिस्टम में होने वाले तकलीफें में होता है, साथ में ही इसे महिलाओं में होने वाले ल्यूकोरिया में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका चौथा घटक है केशर। केशर सदियों से स्तंभन दोष में और वात शांति के लिए इस्तेमाल होता है, जो कमजोर पड़ी नसों को नवसंजीवनी देता है और पुरुषों के वीर्य स्थान को बल देता है। इसका पांचवा घटक है गोक्षुर। गोक्षुर ऋष है और साथ में ये पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ाता है, जो पुरुषों की जनन क्षमता का आधार है। इन सब घटकों को मुसली और नागवेली के पत्तों के रस की भावना देकर बनाया गया है। मुसली बलदायी होती है और नागवेली के पत्ते यानी खाने के पान के पत्ते जो कषाय रस के होते हैं, स्तंभन का काम करते हैं। अब बात करते हैं इसकी इफेक्टिवनेस की। टेंटेक्स रॉयल एक हर्बल आयुर्वेद बेस्ड दवा है और ये वायाग्रा जैसा तुरंत काम नहीं करता। ये काफ़ी स्लो एक्टिंग हर्बल प्रिपरेशन है जो आपको धीरे धीरे रिजल्ट देता है। आप जवान हैं यानी 40 से 45 की उम्र तक है और आपको कोई भी बड़ी बीमारी नहीं है, तो ये आपको अच्छे से रिजल्ट दिखा सकता है। डायबिटीज़ और हार्ट के पेशेंट में भी ये काफ़ी अच्छा असर दिखाती है, ऐसा हिमालय का दावा है। ई कॉमर्स साइट पे हिमालय ने साफ लिखा है कि हिमालय आपको ये कैप्सूल्स ऑनलाइन ये मान के बेच रहा है कि आप एक कैप्सूल डॉक्टर की सलाह से खरीद रहे हैं, और इसे लेने का जनरल डोज एक कैप्सूल सुबह और शाम को कुछ खाने के बाद लेने का एडवाइस हिमालय करती है। और मैं भी आपको यहाँ यही सलाह दूंगा कि आप ये कैप्सूल बिना डॉक्टर के सलाह से ना लें। इस कैप्सूल को 6 से 12 हफ्ते तक लेने बाद आपको इसका असर दिखता है, ऐसा हिमालय का मानना है। टेंटेक्स रॉयल के साइड इफेक्ट्स के बारे में अब हम बात करेंगे। इस कैप्सूल के किसी भी नॉन साइड इफेक्ट ना होने का दावा हिमालय करती है, लेकिन इस कैप्सूल को लेने के बाद सिर में भारीपन, पसीना आना, दिल जोरों से धड़कना, भूख न लगना, ऐसी तकलीफें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी टेंटेक्स रॉयल की। मैं आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आपको ज़रूर लाभ होगा। आपको इस कैप्सूल के बारे में और जानकारी चाहिए तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से लिंक चेक कर सकते हैं। आपके इस कैप्सूल से जुड़े सवाल मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। मैं बहुत ही जल्दी एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से आपको मिलने आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर।